बबलू, मैंने देखो पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या नहीं किया, सड़कों पे गुड पुलिस किया, चोरी किया, टांके डाला। वन मोर टेकिंग मूड रोलिंग कैमरा साउंड जूनियर पासिंग एक्शन। बाबू मोशाय, ये जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले का खेला है रे, वो जब चाहे जिसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ से उठा लेता है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत डरना। कुछ कुछ होता है जनाब, तुम नहीं समझोगी। मुझे बहुत कुछ हो रहा है। कौन है ये? सर ये इस तरह तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। तो तू मेरा बाप है? तू मेरा बाप है? तेरे पास चीज क्या है? तू है क्या? आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास है। मेरे पास जूता निकालू क्या? डॉन को पकड़ने की कोशिश तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। तेरी तो, अरे सर जाने दीजिए, जूनियर आर्टिस्ट है, जाने दीजिए। अबे यार इसे निकालो बाहर। चलो कैटरीना। लेकिन पहले मेरी पैंट तो छोड़ दे। नहीं, मैं आपकी पैंट तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे रोल नहीं दे देंगे। अबे यार मैंने नीचे चड्डी नहीं पहनी हुई। अबे चल चल चल। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, अब आप कह रहे हैं कि ये शूटिंग में छोड़ दूं। सर बस एक चांस दे दो उसके लिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं सर। अबे जाता क्या तू है? लेकिन सर इसका मैं क्या करूंगा, रोल दे दो। रोल रमेश, इसे कैमरे का रोल दो और निकालो यहां से। अरे सर वो वाला रोल नहीं सर, मुझे हीरो का रोल दे दो, मैं इस घटिया हीरो की छुट्टी कर दूंगा। सर ले जाओ यार इसे। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर सर। अरे यार बेकार में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे कोई और है जो पासिंग कर सके? मैं हूँ ना सर। अब तुम कौन हो? मैं कौन नहीं, मैं भगवान हूँ। ओ, तो तुम भगवान हो? अरे इसे पकड़ो यार, इसे पकड़ो। अबे अगर तू भगवान है तो क्या मैं शैतान हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ कहने आया था कि जो रोल पप्पू को आपने दिया ना मुझे दे दिए, मैं बहुत अच्छी पासिंग करता हूँ। पहली एपिसोड से लेके ही इनके घर के सामने से मैं अब तक पासिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये रोल अब तू ही करेगा, ठीक है? ये ठीक नहीं है सर, इनके तो पास आउट होने के दिन है, ये क्या पासिंग करेंगे? लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, अब ये रोल यही करेंगे। थैंक यू भगवान अंकल। ये अच्छा नहीं किया तुमने, तुमने मेरा रोल छीना, मेरे पेट पे लात मारी है ना, देख लेना तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें जुलाब लग जाएंगे। पहला रोल होते ही तुम्हारे ऊपर कैमरा गिर जाएगा, तू निकल लोगे। चल ले चल चलिए डायरेक्टर साहब, हम लोग एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग नहीं करनी, पासिंग करनी है, पासिंग। जाओ वही चलिए करते हैं। चल दिमाग पका दिया। रोलिंग। पप्पू क्या हुआ यार? अरे पप्पू हमें चाइनीज भाषा नहीं आती यार। नहीं चंदू, ये चाइनीज नहीं, ये तो रशियन बोल रहा है। पप्पू तुमने रशियन कब सीखा यार? नंदू तुम्हें कैसे पता ये रशियन बोल रहा है? तुम रशिया कब गए? जाता था ना एवरी संडे फुटबॉल मैच खेलने, रशिया ही तो जाता था। नंदू झूठ मत बोलो, तुम्हें तो फुटबॉल खेलना तक नहीं आता। तुम्हें पता है चंदू? हाँ, अगर एक बार कहते कि क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो मैं मान भी लेती। अरे याद आया, मैं क्रिकेट खेलने तो जाता था। तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो ना। यही तो अफसोस है, जानने के बाद भी तुमसे शादी मैंने क्यों की? वाह, मैं सामने रो रहा हूँ उसका कुछ नहीं, आपस में झगड़ रहे हो, पूछ तो लो। अच्छा बता, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ये क्या पूछ रहे हो भाई? अबे अभी तो तूने कहा कि पूछो। अरे भाई तो जीके का सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये पूछ रहे कि मेरे रोने का कारण क्या है। अच्छा बाबा बताओ रो क्यों रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने मुझे निकाल दिया। क्या अब नादानी में पप्पू का रोल कोई और करेगा? पप्पू कहते कि ये झूठ है, मैं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता यार। अरे भाई मेरे बिना तो कोई भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मैं नादानिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो
अरे यार आज मुझे बहुत मुश्किल से एक शूटिंग में काम करने का मौका मिलने वाला था लेकिन डायरेक्टर ने मुझे निकाल दिया। क्या इसका मतलब आजकल तुम्हें स्पॉट बॉय की नौकरी भी नहीं मिलती? पप्पू लेकिन तू डायरेक्टर के पास स्पॉट बॉय की नौकरी मांगने क्यों गया था? भाई मैं स्पॉट बॉय की नौकरी मांगने नहीं गया था, फिल्म में हीरो बनने गया था। क्या? फिर तो धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया होगा तुम्हें। भाई तुम्हें पता है मुझे निकाला और उस केले के छिलके भगवान को ले लिया। क्या? अबे पप्पू तुझे निकाला वो तो ठीक है लेकिन उस भगवान को क्यों लिया यार? लेकिन भाई क्या मैं जिंदगी भर एक्टर नहीं बन पाऊंगा? सॉरी पप्पू, ये तो मैं तुझे पहले से ही बोल रहा था लेकिन तू मानता कहाँ है मेरी बात? कोई नहीं पप्पू, आखिरकार पता चल ही गया, भूत उतर गया सर से। पप्पू तेरे सर पर भूत है? मेरे सर पर भूत कहाँ है? अरे अरे यार शट अप यार, मैं कह रही हूँ पप्पू के सर से एक्टिंग का भूत उतर गया है। अरे ये एक्टिंग कौन है और पप्पू के सर पर भूत बनकर क्यों घूम रहा है? हाय रब्बा मेरी किस्मत में क्यों? छोड़ो कुछ नहीं हो सकता। अरे रहने कैसे तू चंदू, मेरे भाई के सर पर भूत है। पप्पू चल किसी तांत्रिक के पास चल, अभी के अभी चल। अरे भाई बस करो यार, फालतू के पंचेस मार के ना सीन को ड्रैग मत करो। अरे मैं का सीन ड्रैग कर रहा हूँ पप्पू, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो राइटर ने लिखा है। ये राइटर भी ना फालतू के पंचेस लिख लिख के सीन ड्रैग कर देता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरा क्या होगा भाई? पप्पू कुछ चीजों का ना कुछ नहीं हो सकता। भाभी मैं भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। देखना ना भूले कॉफी विद शरण आपके फेवरेट चैनल पर। भाई कर लिया। आए, आए। शी पप्पू इधर मत कर यार, बाथरूम में जाके कर। सोफे से उठ, मेरे सोफे से उठ। अरे यार गंदी बातें मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एंकर बनूंगा, टेलीविजन होस्ट। पप्पू प्लीज यार कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे लोगों को टीवी देखने से नफरत हो जाए। हाँ पप्पू तुम जैसे वेले लोगों के लिए एक टीवी ही तो जान है। कर लो भाई भाभी मुझे अंडर एस्टिमेट कर लो, लेकिन टेंशन मत लेना, ये पप्पू अपना खुद का टेलीविजन शो बनाएगा जिसका नाम होगा कॉफी विद पप्पू। और देखना भाई वो सुपर हिट शो होगा, अभी जाके डायरेक्टर से बात करता हूँ मैं अपने शो के लिए। कॉफी विद पप्पू। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। देखो भाई कौन आया है? पप्पू कौन आया? अबे तो कोई आया नहीं दिखाई दे रही। पप्पू तूने आया का काम शुरू कर दिया? अरे भाई आया का नहीं, मैं तो स्टार होस्ट बनने वाला हूँ। होस्ट नहीं तुम तो गोस्ट हो। भाभी ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, जब मैं स्टार बन जाऊंगा ना तब अफसोस करोगी। यही ना कि तानों के साथ तुझे जूते क्यों नहीं मारे? भाई मैं तुम्हें। अच्छा 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 बोल क्या बताने आया था तू? भाई मुझे शो मिल गया है। अबे ये शो नहीं है, ये चश्मा है, वो भी मेरा, दे इधर। अरे भाई मैं सड़ेले चश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद का टेलीविजन शो होस्ट करने का मौका मिला है, कॉफी विद पप्पू। क्या? हाँ। और पप्पू कैसे? अरे भाभी मैं जैसी डायरेक्टर के पास ही कॉफी विद पप्पू का आइडिया लेके गया ना, पागल हो गया वो, पागल दुख से। अरे नहीं भाई खुशी से, उसने तो सुनते ही बोला वाह क्या आइडिया है और तुरंत मुझे अपनी कुर्सी पे बिठा दिया। गेट अप एंड गेट आउट। अरे इतना घटिया आइडिया मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना। अरे सर आप मेरे बड़े भाई से नहीं मिले हैं, वो तो इससे भी घटिया आइडिया देते हैं। अरे तुम चाहते हो या बुलाऊं सिक्योरिटी को? पर सर मुझे सिक्योरिटी को आइडिया नहीं सुनाना है, मुझे तो आपको आइडिया सुनाना है। अरे मैं तुझे भगाने के लिए सिक्योरिटी को बुला रहा हूँ। तो सिक्योरिटी को बुला क्यों रहे हो जब भगा नहीं है तो? उस प्रोड्यूसर को भी यकीन नहीं आ रहा था और वो तो यही सोच रहा था कि अब तक ये कॉफी विद पप्पू का आइडिया था कहाँ। अरे उसने तो मेरे पैर पकड़ लिए और कहता है कि ये शो तो तुम ही करोगे। मैंने भी बोल दिया 5 लाख से कम एक रुपया भी नहीं लूंगा पर एपिसोड। फिर तो उसने तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया होगा। अरे नहीं भाभी उसने तो मेरे पैर पकड़ लिए, कहता है कि बजट थोड़ा कम है कुछ करो ना। सर मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं फ्री में काम कर लूंगा सर, और तो और मैं भाई भाभी साहब के लिए पैसे भी ला कर दूंगा। अच्छा तो ठीक है, तू ऐसा कर बना के ला अपने खर्चे पर, अगर मुझे पसंद आया ना तो मैं चैनल से बात करूंगा। सच में सर? हाँ यार ठीक है सर, फिर मैं बना के लाता हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा देखना। मैं जा मेरे बाप जा। हाँ सर। तो इस तरह से मैं उस बेचारे के लिए सस्ते में काम करने के लिए मान गया। मैं जानती थी
कि एक न एक दिन मेरा खोटा सिक्का जरूर चलेगा। चंदू यार, मुझे तुम्हारी यही आदत नहीं पसंद। तुम ये खोटे सिक्के क्यों रखती हो? अच्छे सिक्के रखा करो ना। हाय, मेरी किस्मत है खोटा जो लिखा इतना मोटा। हाँ पप्पू, तू बता कि प्रोड्यूसर ने शो बनाने के लिए कितने पैसे दिए तुझे? पैसे? अभी तुमने ये क्या कह दिया? मैंने क्या कह दिया? मुझ जैसा खुद्दार इंसान, मैं एक खुद्दार एक्टर हूँ। मैं काम करने से पहले नहीं, काम करने के बाद पैसे लेता हूँ। मतलब अभी मैं शो आपके पैसे से बनाऊंगा। चंदू पप्पू, तू मेरा प्यारा भाई है ना? हाँ भाई, इस बात का अफसोस तो मुझे भी। इसलिए तेरा ये टॉक शो लिखने तो तू मुझे ही देगा, है ना? अच्छा, इसीलिए ये स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए इतना मक्खन मार रहे हो? अबे पप्पू, मैं स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फैमिली की बात कर रहा हूँ। किसकी फैमिली की? अरे हमारे फैमिली की। ये तो भाई भाई के बीच की बात है ना यार। तो फाइनल रहा ना, तेरी स्क्रिप्ट मैं ही लिखूंगा। एक्चुअली भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम है। असल में क्या है कि मुझे अपने शो के लिए पैसा चाहिए। तो मुझे एक ऐसा राइटर ढूंढ के लाना पड़ेगा जो मेरे शो के लिए मुझे पैसे लाकर। अबे पप्पू, दिस इज नॉट फेयर यार। हाँ, आई नो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज ब्लैक मैन। अरे यार, मैं इन चश्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा यार? कहीं से भी लाओ भाई, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शो में काम करना है तो पैसे तो तुम्हें लाने ही पड़ेंगे। अच्छा, ट्राई करता हूँ, क्या करूँ? चंदू को पूछता हूँ। हाँ हाँ चंदू। हाँ, मैं बात करती हूँ। चंदू, ठीक है ओके बाय। चंदू, आज से तुम्हारे सपने सच होने का समय आ गया है। सच? पप्पू धनतोला जा रहा है? अरे वो नहीं, दूसरा वाला। तुम धनतोला जा रहे हो? अरे मैं क्यों जाने लगा धनतोला? तुम्ही ने तो कहा तुम्हारे सपने सच होने का टाइम आ गया है। अरे चुप पगली, आज से मैंने काम करने का फैसला कर लिया है। हाय रब जी, आपने मेरी सुन ली। थैंक यू सो मच। पर चंदू, एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना वो शो बनाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। शो? तुम्हें कौन सा शो मिला है? अरे चंदू, बहुत अच्छा टॉक शो मिला है मुझे। अरे टॉक शो पप्पू को मिला है नंदू। एक्चुअली वही शो में मैं भी राइटिंग कर रहा हूँ। क्या? हाँ, अब दे दो जल्दी पैसे प्लीज। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मतलब तुम मुझे पैसे नहीं दोगी? नहीं। देखना, फिर तुम्हें पाप लगेगा, एक नौजवान को आगे बढ़ने से रोकने का पाप। फिर मत कहना कि मैं काम चोर हूँ और काम नहीं करता, और इसकी जिम्मेदार होगी तुम और सिर्फ तुम। अरे बस 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 नंद, दादा उमराव जान बनने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं पैसे दूंगी। सच चंदू? हाँ पप्पू, ये ले मैं सारे पैसे लेकर आ गया। अब तो मैं तेरी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ ना? हाँ भाई, जितना मर्जी लिखो, जो मर्जी लिखो, जी भर के कागज काले करो। यस। और चंदिल साहब, आप चिंता मत करें, आपके फिल्म के प्रीमियर पे हम जरूर आएंगे। अच्छा जी, नमस्कार जी। अरे तुम पैसे ले आए? हाँ सर, बड़ी मुश्किल से भाई भाभी को बेवकूफ बना के लाया हूँ, ये लीजिए। भाई तुम जैसे नौजवानों की वजह से ना देश का ये हाल है। लेकिन सर, ये देश थोड़ी आपका ऑफिस है, और इसका हाल तो एकदम मस्त है, मस्त। एक बात बताओ, तुम इंटरव्यू तो ले लोगे ना? इंटरव्यू ऐसी लूंगा, ऐसी लूंगा, ऐसी लू। अरे मुंह से ये बहुत वल्गर लग रहा है। तो सर, कल का शूट कंफर्म समझू? हाँ, ठीक है, आप कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू, बाय सर, सी यू टुमारो। भाभी जल्दी करो ना। हो क्या पप्पू? छोड़ो यार। विजय भावा पप्पू। भाई मैं घर से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैंने टॉक शो की शूटिंग घर में ही रखी है। इसलिए तो मैंने कहा विजय भवा, मैंने ये नहीं कहा विजय होके आना। हाँ, और वैसे भी जब तुम टॉक करते हो तो लोगों को तुम्हें ठोकने का मन करता है। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे पहले एपिसोड में गेस्ट है कौन? वो तो मुझे नहीं पता भाभी। तो फिर किसे पता है? अरे चंदू, इसकी छोड़ो, मुझे भी नहीं पता कि कौन आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली।
देखा हम लोग कितने टैलेंटेड हैं। रब्बा जी फिर से अप्पा, लगता है मेरे पैसे डूबने वाले हैं। अरे चांदनी चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हारे पैसे नहीं डूबेंगे। अबे यार किसका मुंह देख लिया, सुबह सुबह सारा दिन खराब हो जाएगा। अरे यार इतना अफसोस होता है, तुम बार बार सुबह आईना क्यों देखते हो? मैं आईने की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे इस गिरगिट जैसे मुंह की बात कर रहा हूँ। भगवान अंकल आप ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए कि मैं अपने नुकसान से कैसे बच सकूं। मेरे साथ टॉक शो करके। चांदनी टॉक शो? तुम्हारे साथ कोई टॉक तो करने को तैयार नहीं होता, टॉक शो क्या करेगा? मैं बताता हूँ, एक कप कॉफी मंगाना और कुर्सी पर बिठा के बिना सर पैर के उल्टे सीधे सवाल का डालना, यही तो होता है हर टॉक शो में। अरे भाई निकालो ना इसको बाहर यार। चलिए भगवान अंकल चलिए आप बाहर चलिए। अरे पछताओगे। अरे चलिए। अरे पछताओगे। चलिए। और भाभी आप बिना यार, आपकी वजह से मैंने इतना सस्ता सेटअप लगाया घर में, क्योंकि आपका बजट कम था, इसीलिए तो मैंने घर के अंदर शूटिंग रखी जिससे कम पैसों में टॉक शो हो जाए, और ऊपर से आप ही पैसे का रो ना करते रहते हो। अरे ये क्या बोल रहा है, पैसे तो मैंने दिए ना इसे। पप्पू सुनाई नहीं दे रहा? अरे भाभी मैं एंकर हूँ यार शो का, आज के दिन तो छोड़ दो। ठीक है पप्पू तू कॉन्सेंट्रेट कर, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। हेलो मैं डायरेक्टर हूँ। मैं राइटर हूँ। और सर मैं इस शो का एंकर हूँ। आइए 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 सर आइए। तो इसका मतलब सब तैयारी हो गई? सारी तैयारी हो गई है सर। ये क्या मेरी स्क्रिप्ट रेडी है? ओहो नहीं नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं शूटिंग की सब तैयारी की बात कर रहा हूँ। अरे सर सब कुछ रेडी है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि गेस्ट कौन आ रहा है? आज की हमारी गेस्ट है फेमस सिंगर, फेमस कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट सुगंधा मिश्रा। क्या सच? हेलो एवरीबॉडी। हाय 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 ओके गोइंग फॉर टेक, कैमरा रोल एक्शन। तो भाई और उनकी बहनों, भाई भाभी भगवान अंकल और पड़ोस वाली शर्मा आंटी की बेटी रोली, अब चलेगा आप सभी का मनोरंजन का चप्पू, क्योंकि मैं आ गया हूँ लेकर कॉफी विद पप्पू, और ये आपका पप्पू एंकर भर देगा आपके एंटरटेनमेंट का टैंकर। तो आइए स्वागत करिए मेरे साथ विद फुल ऑन जज्बात मिस सुगंधा मिश्रा जी का, जोड़ के अपने दोनों हाथ। तो सुगंधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉफी विद पप्पू में। थैंक यू। आज तो आप एकदम सोला की आई मीन शोले की बसंती लग रही है। थैंक यू थैंक यू। आप भी शोले के जय, मेरा मतलब गब्बर लग रहे हैं। एनीवेज आपने मेरी तारीफ में क्या समा है बांधा, मेरी तारीफ में आपने ऐसा समा है बांधा जैसे भेल पे डाला हो ताजा कटा हुआ कांदा। वाह वाह वाह, लगता है आप भी मेरी तरह बड़ी टैलेंटेड है। शायद। तो इंटरव्यू शुरू करें? बिल्कुल, उसी के लिए तो आया ना। तो दीवार फिल्म का ये जो डायलॉग आपने बोला था, आज मेरे पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बंगलो है, तुम्हारे पास क्या है, इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? एक मिनट, पहली बात तो जब दीवार फिल्म बनी थी तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। बिना पैदा हुए डायलॉग भी मार दिया? अरे ये डायलॉग मेरा नहीं है। अरे ये तो उससे भी बड़ा कमाल है, आपका डायलॉग नहीं है तब भी आपके नाम पर ये डायलॉग इतना फेमस हो गया। पप्पू जी ये डायलॉग अमिताभ बच्चन जी ने बोला है। क्या जी? सॉरी वो क्या है ना, हमारे नाकाबिल राइटर ने ना ये इंटरव्यू अमिताभ बच्चन साहब के साथ लिख दिया था, हमें पता नहीं था ना कि कौन आने वाला है। अब तो पता चल गया ना, अब पूछ लीजिए। हाँ चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि आप बड़ी क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड से हैं, आपके दादाजी पूजनीय लेजेंडरी पंडित शंकर लाल मिश्रा जी हैं, और वही आपके गुरु भी हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि आप यूनिवर्सिटी की टॉपर थी म्यूजिक में, और साथ में गोल्ड मेडल भी जीता है, और उसके बाद आपने म्यूजिक में इतने सारे झंडे गाड़े, और फिर आप टेलीविजन में आ गए। वैसे ऐसा क्या हादसा हुआ कि आपको टेलीविजन ज्वाइन करना पड़ा? वाह क्या सवाल पूछा पप्पू ने। अरे आखिर स्क्रिप्ट किसने लिखी है? मुझे मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। ये कोई दुख भरी बात नहीं है, टीवी में काम करना अपने आप में एक अचीवमेंट है, बट हाँ आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी यहाँ पर आकर। आप कितनी मजाकिया, क्या मजाक करती हैं आप। थैंक यू।
वैसे मैंने सुना है कि आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती हैं, खास तौर से लता जी और शर्मिला जी की। हाँ। एक बार प्लीज, एक बार लता जी की मिमिक्री करके दिखाइए ना प्लीज, मेरे लिए प्लीज। ओके 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 करती हूँ। पहले लता जी आपके लिए दो लाइन। चांदनी किससे पड़ गया मेरा पाला, पप्पू का डांस आला। मेरे प्यारे बेटे पप्पू, तुम एक नंबर के छिछोरे और बहुत ही घटिया और बेकार इंटरव्यू कर रही हूँ। धन्यवाद। वाह वाह, क्या मिमिक्री की आपने। प्लीज शर्मिला जी की और कीजिए ना, एक बार प्लीज, एक बार मेरे लिए। हाँ 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 ठीक है। शर्मिला जी की तरफ से। मेरे प्यारे बेटे पप्पू भाई, मैं तो तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि तुम इतना बोलते हो, दिल करता है कि अपने बेटे सैफ को वाव वाव करते तुम्हारे पीछे छोड़, ताकि तुम्हारी आवाज दोबारा ना निकले और मेरा बस चले तो मैं पटौदी से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूं। कितनी बकवास इंटरव्यू करते हो। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया तुमने ये स्क्रिप्ट लिखी है और चुरा के लिखी। वाओ, जेल में, वाह क्या मिमिक्री की आपने, मजा आ गया। अच्छा अभी कुछ और करके दिखाइए ना प्लीज, गाना गा के दिखाइए ना प्लीज मेरे लिए, एक बार प्लीज। हाँ हाँ हाँ, मैं खड़े होके गा सकती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं गाते गाते मतलब जो वॉक करती हूँ ना, क्या कमाल मस्त वॉक करती हूँ मैं, करके दिखाऊं? हाँ। ये तो मैंने भी नहीं देखा। हाँ। मैं चली। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। वाह वाह, क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है। देखा डायरेक्टर साहब आपने, इसे कहते हैं। कहाँ गई? अरे कैमरा कट करो। वो चली गई तुझसे परेशान होकर। क्या? सारे बने बनाए खेल का खबड़ा कर दिया। अरे पर सुनिए डायरेक्टर साहब। हाय हाय हाय। फिर से स्यापा हो गया, मेरे पैसे डूब गए। मुझे तुम दोनों वेले लोगों की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। अरे चंदू लेकिन चुप करो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे भाभी पैसा तो हाथों का मैल होता है ना। लेकिन उठाओ। हेलो, क्या सच ऐसा हो सकता है क्या? ओके थैंक यू सो मच। भाई भाभी मेरा शो चैनल ने अप्रूव कर दिया है। हाय हाय हाय। क्या? हाय, मैं जानती थी मेरा पप्पू कितना टैलेंटेड है। स्क्रिप्ट भी तो मैंने लिखी है ना। चुप करो तुम। हाय मेरा पप्पू। हाँ भाभी कोट गंदा हो रहा है, प्लीज कॉफी विद पप्पू। खामोशियां बेचैनियां ना दानियां।